हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामेश्वर लाल, MSc हॉर्टिकल्चर। बेटा, आज हम जो हरियाणा गवर्नमेंट ने HDO की जो बहुत ही बम्पर वैकेंसी, शानदार वैकेंसी निकाली है, इसकी 63 पोस्टेज हैं। कितनी बेटा? 63 पोस्ट हैं। ये नोटिफिकेशन आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अब हम इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें अपन इस हमारे जो ऑनलाइन जो कोर्स हैं या ऑनलाइन जो हमारा पैकेज रहेगा, इस पैकेज के अंदर हम आपको हरियाणा HDO से रिलेटेड कैसे स्टडी करवाएंगे या इस एग्ज़ाम को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जो भी चर्चा है वो हम इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जितने भी HDO के जो पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा हम आपको जो हमारा जो पैकेज रहेगा, इसके अंदर हम रिकॉर्डेड क्लास आपको देंगे और प्रॉपर आपको PDF या प्रॉपर आपको नोट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या है इसका सिलेबस अनाउंस नहीं किया है। और हम आपको बता दें, जैसे बेटा HDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, तो मोस्टली जैसे पुराने एग्ज़ाम हुए हैं तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से पूछे गए थे, ठीक है जी। और आज अपन जो बेसिक हॉर्टिकल्चर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। जो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें बेसिक से लेकर डीप तक जो भी पूछी जाती हैं, उस सभी के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो आज अपन बेटा बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बेसिक के बारे में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट HDO की प्रिपरेशंस करना चाह रहा है वो हमारा जो ऑनलाइन जो कोर्स है वो परचेज कर सकता है, और हमारे जो कमेंट बॉक्स है इसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर का बेसिक। भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं या इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं आज आपको जो हमारा जो बेसिक रहेगा इसमें अपन बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉर्टिकल्चर फर्स्ट बार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। ये शब्द नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर है क्या चीज़, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हॉर्टिकल्चर टर्म है, ये रिटन लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट बार कब यूज़ की गई, तो ये 17th सेंचुरी के अंदर यूज की गई। कब यूज की गई? 17th सेंचुरी के अंदर। जो हॉर्टिकल्चर टर्म है ये रिटन लैंग्वेज के अंदर कब यूज की गई? 17th सेंचुरी के अंदर। कब यूज की गई? 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे जो हॉर्टिकल्चर है ये किस लैंग्वेज से बना हुआ है या ये किस लैंग्वेज का शब्द है। ये लैटिन शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का, ठीक है जी। अब हम इस लैटिन लैंग्वेज के कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर है ये हॉर्टस प्लस कलेरी या कल्चरा, जो टर्म है इन दोनों टर्म से बना हुआ है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो हॉर्टिकल्चर है, ये हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है क्या है बेटो? इसका मीनिंग है गार्डन, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कैलरी या कल्चरा, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है टू कल्टीवेट। क्या है बेटा? कल्टीवेट।
देखो भाई, हमने कहा हॉर्टिकल्चर लैटिन टर्म है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस प्लस कैलरी या कल्चरा। अब हम बात करेंगे हॉर्टस, हॉर्टस का मीनिंग क्या होता है, गार्डन। ठीक है जी, अब बेटा आपके माइंड में आ रहा होगा भी गार्डन क्या चीज़ होती है, तो आपको मैं ये बता दूं, देखो बेटा ये कोई भी एरिया है, ठीक है जी, इस एरिए को हमने क्या क्या कर दिया, किसी बाउंड्री से क्लोज कर दिया, समझ गए भी, हमने कोई भी एरिया है इस एरिए को किसी भी बाउंड्री से हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें एंट्री लेनी है, क्या लेनी है, हमें एंट्री लेनी है, ठीक है, तो विदाउट परमिशन, हम बात करेंगे, कहने का मतलब ये एरिया है, ये बाउंड्री से कवर है और इस एरिया के अंदर आपको एंट्री लेनी है, तो आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़े, उस पैलेस को हम क्या बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। हमने क्या बोला कि कोई भी एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको क्या है, एंट्री लेनी है, ठीक है, तो आपको किसी पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उस एरिया को या उस पैलेस को हम क्या बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं, ठीक है जी। और कल्चरा का मतलब क्या होता है, टू कल्टीवेट, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की, क्या बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की, हॉर्टिकल्चर की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन, ठीक है जी, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेटा एक साइंस है, साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ गार्डन क्रॉप्स, ठीक है, हम हॉर्टिकल्चर को क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ गार्डन क्रॉप्स। तो हमने डेफिनेशन लिखी है साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप कौन कौन सी होती है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स या नट्स या प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है जी, ये सभी गार्डन क्रॉप है। तो हमने हॉर्टिकल्चर की जो डेफिनेशन है या क्या देखा भी, साइंस एंड आर्ट कल्टीवेटिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स के अंदर जैसे अपने जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, नट्स हैं या प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो देखो बेटा भी, हम क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी क्या करेंगे, कल्टीवेशन कैसे की जाती है, कल्टीवेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसकी अपन क्या करेंगे, प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर जो भी हम जितने भी हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अपन क्या कुछ कर सकते हैं, वो अपन प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी अपन कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ये भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आगे अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर का, जो आज अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर हमने लिखा है, ठीक है जी, तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड
आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपन हॉर्टिकल्चर का जो फादर है वर्ल्ड के अंदर कौन है भाई? एक तो बेटा एग्जाम्स के अंदर कई बार थॉम्स एंड्रयू नाइट और कई बार बेटा एग्जाम्स के अंदर एलएच बेली, ये दोनों नाम कई बार पूछे गए। ये क्या है, वर्ल्ड के अंदर अपन इनको हॉर्टिकल्चर का फादर बोलते हैं। और सेकंड अपन बात करेंगे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर के जो फादर कौन से हैं भाई? एमएच मेरिगवाड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे जो मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है जी, किनको बोला जाता है भाई? ये बोला जाता है डॉक्टर के एल चड्डा, किनको बोला जाता है? डॉक्टर के एल चड्डा। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अब हम बात आगे करेंगे अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर जो इंडिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उनके बारे में, अपन IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बेटा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये इंस्टीट्यूट है अपने हसरगट्टा बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1968 के अंदर। तो ये भी हमें याद रखना है। तो एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है यहाँ से जितनी भी वराइटीज़ रिलीज होती है उनके आगे क्या नाम होता है? अर्का नाम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे अपन बात करेंगे सेंट्रल सेंट्रल आगे अपन बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे है भी? ये अपने मैदी जी फीमा, मैदी जी फीमा नागालैंड के अंदर है भाई। ये कहाँ पे है? नागालैंड। कब बना था? ये बना था 2006 और 2007 के अंदर। तो ये इंस्टीट्यूट भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद में हम बात करेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर
बोर्ड, बोर्ड ये बेटा कहां पे है? गुरुग्राम। कहां पे है? हरियाणा के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। और कब बना था ये? 1984 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है जी। बेटा इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? भी एक तो आपसे पूछा जा सकता है भी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है ये कब स्टार्ट हुआ था? 2005-06 के अंदर, ठीक है। और एक चीज ये भी पूछी जा सकती है, और ये उस टाइम जो अपने 10th 5-year plan चल रहा था भाई उस टाइम, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है इसका अपग्रेड करके इसे MIDH बना दिया गया। MIDH कब? 2014 के अंदर। पहले इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ठीक है जी। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ठीक है। कब? 2014 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। हॉर्टिकल्चर ईयर, हॉर्टिकल्चर ईयर, हॉर्टिकल्चर ईयर जो अपनी एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसने 2012 को हॉर्टिकल्चर ईयर के रूप में अनाउंस किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। उसके बाद में अपन बात करेंगे जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रिवोल्यूशन कौन सी है। रिवोल्यूशन, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रिवोल्यूशन कौन सी है? तो उस रिवोल्यूशन का नाम क्या है? गोल्डन, गोल्डन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स के अंदर ये चीजें पूछी गई है कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कौन सी रिवोल्यूशन है? गोल्डन रिवोल्यूशन। अब हम गोल्डन रिवोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। गोल्डन जो रिवोल्यूशन है, जो जो गोल्डन रिवोल्यूशन है वो, या उस गोल्डन रिवोल्यूशंस के अंदर मोस्टली किस फ्रूट के ऊपर फोकस किया गया? तो कौन सा? फ्रूट्स के ऊपर? एप्पल के ऊपर। भी जो गोल्डन रिवोल्यूशन आई थी तो इसके अंदर हमें, या हमने एप्पल के ऊपर क्या है फोकस किया, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके फादर, ठीक है जी। गोल्डन रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो फादर हैं, सबसे पहले अपन वर्ल्ड से रिलेटेड बात करें तो वर्ल्ड के हैं निरपक
निरपक्ष, टूटेज, टूटेज, निरपक्ष, टूटेज, ये नाम भी आपको याद रखना है। निरपक्ष टूटेज को वर्ल्ड के अंदर गोल्डन रिवॉल्यूशंस का फादर माना जाता है, ठीक है जी। और इंडिया के अंदर बात करें भी गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है इंडिया के अंदर, तो वो कौन से हैं? डॉक्टर के एल चड्ढा, डॉक्टर के एल चड्ढा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है भाई? पूसा, न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? पूसा, न्यू दिल्ली। ये भी आपको याद रखना है। कब बनी थी? 1942 के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एक और अपने एग्री एग्री हॉर्टी कल्चर सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बेटा कहाँ पे है? ये है कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे है? कलकत्ता। ये भी आपको याद रखनी है भाई। आज मैं जो बाकी चीज़ें हैं वो उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा तो उसके अंदर अपन जो हॉर्टिकल्चर का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले अपने बात की हॉर्टिकल्चर की, इस टर्म को फर्स्ट बार कब यूज़ किया गया? 17th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद में हमने देखा हॉर्टिकल्चर लैटिन लैंग्वेज का क्या है? लैटिन, लैटिन वर्ड है। उसके बाद में हॉर्टस और कल्चरा से ये बना हुआ है। हॉर्टस का मीनिंग हमने गार्डन आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा भी हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, भी हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या चीज़ें, ठीक है। तो हमने देखा हॉर्टिकल्चर को अपन साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, नट्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो इनको भी अपन सीक्वेंस वाइज सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में हमने देखा हाँ जी, हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वर्ल्ड के अंदर किस साइंटिस्ट को बोला जाता है? थॉमसन एंड्रयू नाइट या एलएच बेले। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हमने देखा भी इंडिया के अंदर किस साइंटिस्ट को इंडियन हॉर्टिकल्चर का फादर बोला जाता है? तो एमएच मैरीगुआडा, आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने देखा भी मॉडर्न फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर के एल चड्डा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेट, ठीक है, ये हसरगट्टा के अंदर है। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1968 के अंदर, ठीक है जी। आगे अपने बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये मेदिजिफमा के अंदर है, नागालैंड के अंदर है। और ये कब बना था? 2006 और 7 के अंदर। तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में हमने देखा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा के अंदर। कब बना था? 1984 के अंदर, ठीक है जी। एक और चीज़ बेटा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है, न्यू हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है?
न्यू हेडक्वार्टर, ये भी आपको ध्यान रखना है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर इसका जो नया हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, ग्वालियर के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने देखा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-06 के अंदर हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये एक स्कीम आई 2005-06 के अंदर। ये अपन अपने को ये 10th 5-year प्लान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है इसका अपग्रेड कर दिया गया है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है जी, और ये कब किया गया, 2004 के अंदर। ठीक है, और आगे जैसे ये जो भी स्कीमें रहेंगी इसको प्रेजेंट टाइम के अंदर भी अपने गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज है और अपनी स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज है, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।